हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 की रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 के बारे में। डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत किस्तों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड 350 बहुत से लोग इसे बोलते हैं भाई, और लेजेंडरी मोटरसाइकिल है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। अगर आज आप रॉयल इनफील्ड को जानते हो तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में इस बाइक का बहुत बड़ा रोल है। बुलेट के नाम से भाई लोग रॉयल इनफील्ड को जानते हैं। 1,90,000 रुपये के आसपास इस बाइक का फिलहाल ऑन रोड प्राइस चल रहा है दिल्ली के अंदर, 1,90,000 रुपीज़। और देखो भाई क्या शानदार रेट्रो लुक्स के साथ आपको ये बाइक जो है देखने को मिलता है। किसी भी ब्रांड का कोई भी बाइक आपको ऐसे लुक्स निकाल के नहीं दे सकता। बुलेट 350 यहाँ पे 3D में लिखा गया है। रॉयल इनफील्ड का लोगो भी आपको 3D के अंदर जो है देखने को मिलता है। बाकी बाइक काफ़ी शानदार है, नो डाउट। UCE इंजन इसके अंदर आता है 350cc का, जो कि सिर्फ बुलेट सीरीज़ के अंदर ही आ रहा है फिलहाल। बाकी सभी बाइकों के अंदर जो है इस इंजन को हटा दिया गया है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह आप देख पा रहे हो हैंडल के ऊपर। सिर्फ किक स्टार्ट में ये बाइक आपको देखने को मिलता है, कोई भी इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और ये लोगो भाई काफ़ी शानदार लगता है। टैंक के ऊपर जो गोल्ड कलर की आप लाइन्स देख रहे हो, ये हैंड पेंटेड हैं, हाथ से पेंट की जाती हैं आज भी। इंजन इसका आपको 350cc का देखने को मिलता है, जो कि आपको 19.1 BHP की पावर निकाल के देता है 28 Nm के टॉर्क के साथ। बिल्कुल लेटेस्ट बाइक मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ। बाइक आराम से आपको 35 का माइलेज निकाल के दे देगी 1 लीटर ऑयल के अंदर। बाकी टॉप स्पीड लगभग आपको इस बाइक की मैक्सिमम जो है 115 से 120 की मिलती है, इससे ज़्यादा ये बाइक नहीं भागती है, और ना ये बाइक भगाने के टाइप की है। और एक बार टैंक फुल कराने के बाद आप आराम से जो है 500 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकते हो इस बाइक के अंदर। 5 गियर आते हैं, 1 डाउन 4 अप वाला आपको सिस्टम जो है देखने को मिलता है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी रॉयल इनफील्ड इसके अंदर यूज़ करता है, और E20 के अंदर ये बाइक फ़िलहाल आ गई है। कैटलिक कन्वर्टर और कार्बन सेंसर वगैरह आपको देखने को मिलता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई ये बाइक बंद होगी या नहीं, तो फिलहाल तो बंद नहीं होगी भाई, क्योंकि इसके अंदर E20 आ गया है। और ये देख लो एनालॉग में इसका मीटर आता है बिल्कुल, और ये कंट्रोल्स वगैरह लाइट के, हॉर्न के। यहाँ पे सिर्फ आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, कोई पावर स्टार्ट वगैरह का बटन जो है देखने को नहीं मिलेगा आपको। बाकी बाइक के अंदर आपको 13.5 लीटर का टैंक मिलता है 2.5 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में 35 mm फ्रॉक्स 130mm ट्रैवल के साथ। और रियर में जो आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्ब विद 5-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड 80mm ट्रैवल के साथ सस्पेंशन सिस्टम जो है देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आती है, क्योंकि बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक जो है 200cm की आती है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है 153mm का। टेल लाइट, इंडिकेटर्स, हेडलाइट सब कुछ आपको जो है हैलोजन में ही देखने को मिलता है, कुछ भी इसके अंदर LED वगैरह का सेटअप नहीं आता है। और स्पोक व्हील्स आते हैं आगे और पीछे 19 इंचज़ के टायर्स के साथ। और क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, बाइक की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। ये देख लो स्पोक व्हील्स हैं इसके अंदर। ट्यूब टाइप टायर आते हैं, सेम साइज़ का टायर आता है आगे और पीछे 3.25x19 का। और 186 kg बाइक का वेट है, 2117mm की लंबाई है, 810mm की चौड़ाई है, 1120mm की जो है हाइट है, 1395mm का व्हील बेस है, और 800mm की आपको जो है सीट हाइट मिलती है 135mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। सिंगल डाउन ट्यूब फ्रेम इसके अंदर आपको चेसिस देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंगल रोड चेसिस इसके अंदर जो है दिख रही है आपको, जिसकी वजह से बाइक के अंदर थोड़े से वाइब्रेशंस हैं। बाकी इसका इंजन भी थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी का है, तो इस वजह से भी इसके अंदर थोड़े से वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है। बाकी किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इसको चलाए, सभी के ऊपर ये अच्छी भी लगती है। रिलायबल प्रोडक्ट है, काफ़ी लंबे समय से आ रहा, कंफर्टेबल भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है। फीचर्स ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया बाइक है, और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ 2023 के अंदर भी, क्योंकि भाई इसके जो लवर हैं वो अलग ही हैं। बाकी किस्तों की अगर बात करें तो 30,000 रुपये की डाउन पेमेंट देके इजीली आप इस बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। 30,000 की डाउन पेमेंट करके अगर आप 1 साल की किस्तें बनवाते हो तो 14,700 रुपये के आसपास जो आपकी इसकी 12 किस्तें बनेंगी। सेम डाउन पेमेंट के साथ 2 साल की किस्तें बनवाओगे तो 8,000 रुपये के आसपास आपकी 24 किस्तें बनेंगी। सेम डाउन पेमेंट के साथ 3 साल की किस्तें बनवाओगे तो 5,800 रुपये के आसपास आपकी 36 किस्तें बनेंगी। सेम डाउन पेमेंट के साथ अगर आप 4 साल की किस्तें बनवाते हो 4,700 रुपये के आसपास आपकी 48 किस्तें बनेंगी। और सेम डाउन पेमेंट के साथ 5 साल की अगर आप किस्तें बनवाते हो तो लगभग 4,000 रुपये के आसपास जो है आपकी 60 किस्तें बनेंगी। आधार कार्ड पैन कार्ड दे के आप इजीली बाइक जो है फाइनेंस करा सकते हो। काफ़ी बढ़िया बाइक है और अच्छी रीसेल वैल्यू आपको ऑफर करती है, और बढ़िया प्रोडक्ट जो है रॉयल इनफील्ड की तरफ से ये बाइक आपको देखने को मिलती है। बंद होने वाली अभी फ़िलहाल है नहीं, अगर आपको पसंद है तो ले लो। आज वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।